अपने अपने विश्राम स्थलों कैंप तंबुओं में चले गए, सब चले गए विश्राम के लिए। अब तो दूसरे दिन सूर्योदय की प्रतीक्षा थी, सूर्य निकला, योद्धाओं ने तैयारियां शुरू कर दी, अश्वारोही गजारोही सब अपनी तैयारियों में लग गए, सब अपने अपने हथियार संभालने लग गए, कर्ण भी तैयार हो गया और उसका रथ बड़ा अद्भुत रथ था, रथ का संचालक भी आ गया, रथ तैयार कर लिया गया और फिर महाराज कर्ण अपने रथ में सवार हुआ। सवार होकर संकेत किया तो रथिक ने पूरे मैदान का, जितना बड़ा मैदान युद्ध का था, उसमें तीन चक्र लगाए और धूल ही धूल उड़ा दी, इतना जबरदस्त दौड़ाया। उसका वाह शाबाश, ठीक है, गति सही है, बहुत बढ़िया है। रथ अब खड़ा हो गया। सूर्य का पुत्र से कहा जाता है तेजस्वी था, उधर से अर्जुन और उसके संचालक श्री कृष्ण, उनका रथ भी आ गया सामने, चक्र उन्होंने भी लगाया, तो फिर मामला जबरदस्त था दोनों तरफ का। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन आज आखिरी मौका है, चूक मत जाना, जितनी तेरे पास कला है सारी की सारी लगा दे, आज युद्ध का फैसला होना है, चूक मत जाना, पूरी कला के साथ लड़ना है। अर्जुन ने कहा, महाराज ऐसा ही होगा, अपनी सारी कला आज मैं लगा दूंगा और आज मैंने विजय प्राप्त करनी है, आज इस कर्ण को मैंने उत्तर देना है, मैं बस ध्यान रखना। बंधुओं, कर्ण का सारथी कर्ण को बोला, महाराज ध्यान से लड़ना, ये बड़ा चलाक है अर्जुन, बहुत चलाक है ये, कोई बात नहीं, चिंता मत कर। नहीं नहीं, वो तो मैं जानता हूं महाराज आपकी ताकत को और आपके ज्ञान को और आपकी बात को, परंतु सावधान रहना, ध्यान से लड़ना, देखो और तो मैंने तो क्या कहना है, अपने हथियार बचा के रखना। अरे तू शिक्षा देने आया है या तू रथ चलाने आया है, तेरा काम है ये बात, पर तू हथियार बचा के रखना, ध्यान से लड़ना, ये काम तेरे हैं, ये काम योद्धा ने देखना, लड़ने वाले ने देखना, अब करना क्या उसने। कर्ण ने कहा, मुझे पता, ठीक है, नहीं मैं तो महाराज आपको बस बताया था कि आज जो है बहुत खतरनाक युद्ध होगा, आज बहुत ध्यान से लड़ने की जरूरत है। आप सोच रहे होंगे मैं महाभारत की कहानी बता रहा हूं, तो फिर ठीक, उसने कह दिया, मामला और है यहां। मामला क्या है, उसने कान में ये बातें डाल डाल करके उसके मन में संदेह पैदा कर दिया कि अर्जुन से लड़ना बहुत मुश्किल है, और आज तक ये सवाल कर्ण के दिमाग में नहीं आया था। अर्जुन उधर मानता ही नहीं था उसको कुछ अपने सामने, उधर कहता ही ये था हमेशा कि मुझे मौका नहीं मिला, एक बार मौका मिले, आज किसके प्रतीक्षा थी, और आज रथ चालक ने उसके कान में संदेह पैदा कर दिया, ध्यान से लड़ना, बच के लड़ना, ये शब्द उसके दिमाग में घूमने लग। बात तो ठीक है, क्योंकि अब मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी है, ध्यान से तो लड़ना पड़ेगा। बंधुओं, युद्ध के मैदान में उतरते ही उसने जो कौशल दिखाना था वो इन संदेहों में कौशल दिखा नहीं सका, और अर्जुन का फैसला करना है, उसने जितनी अपनी कला थी सारी लगा दी, और ये तो आपको पता है कि उसका
रथ का पहिया धस गया या उसने बाण मारा उसे धस गया, हो गया जाम हो गया मामला। कर्ण ने फिर कहा भी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपना पहिया निकाल लूं कर लूं, इतना समय दिया नहीं गया। और आखिर आपको ये भी पता है कि उस युद्ध के अंदर क्या हुआ, कर्ण की पराजय। जो इतिहासकार हैं, लेखक हैं, वो क्या कहते हैं, कर्ण के पराजय का कारण उसके मन का संदेह था। उसकी शक्ति कम नहीं थी, उसके पास शस्त्र भी कम नहीं थे, जो मन का संदेह था वो उसके पराजय का कारण बना था। बात सम्यक की चल रही थी, मैं कह रहा था तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों के ऊपर श्रद्धा नहीं, बात समझो, निश्चय हो जाना। अर्थ शब्द के यहां माने माने नहीं होते, यहां अर्थ शब्द का अर्थ है निश्चय हो जाना, जिसको निश्चय हो जाए। जहां निश्चय होता है वहीं दृढ़ता होती है और वही कुछ कर पाता है, और जहां पर निश्चय नहीं होता बंधुओं वहां डामाडोल स्थिति होती। सम्यक्त के कुछ दोष बताए गए, उन दोष जिनसे सम्यक्त दूषित होती है उन्हें बताया। पहला बताया शंका, क्या बताया पता नहीं भाई, कह तो रही है धर्म का फल ऐसा होता पता नहीं, लोग पर लोग। अभी पढ़ते तो हैं शास्त्र, सारी बातें ठीक हैं, चलो पता नहीं ये महावीर की वाणी है भी नहीं, क्या पता आचार्यों ने लिख रखी हो, क्या पता कैसे है, क्या मामला है, इकट्ठी कर रखी इधर उधर से। जिसके मन के अंदर शंका, शंका का पहला दोष बताया सम्यक्त का, शंका अगर आ गई भीतर में, संदेह शंका पैदा हो गई बंधुओ, वह तत्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तत्व को वही प्राप्त कर पाता है जिसके भीतर के अंदर संदेह नहीं होता है। पितु निश्चय होता, पक्का होता, दृढ़ होता है, जो सुना है स्वीकारा है वो बस वही है, उसके बाहर उससे और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो कुछ है यही है, इसी प्रकार से है यह है। इसका नाम बंध वो निश्चय होता है, निश्चय के बिना श्रद्धा सुदृढ़ नहीं होती, वो कमजोर रहती। आगे बात कर, देशना पूरी हुई, उदयन राजा भगवान के वंदन करके भक्ति करके और वह अपने घर को लौटा। घर किस लिए लौटा, उसने मन में निश्चय कर लिया था मैंने संयम लेना है, लेकिन संयम लेने से पूर्व जो दायित्व है वो तो किसी को सौंपे जाए, किसी को दिए जाए, भाई मैं साधु बनने जा रहा हूं और ये सब तुम्हारे, तुम अपने संभालो। ऐसा सोचकर भगवान से कह करके भंते में जा रहा हूं और ये सब राज कार्य आदि में सौंप कर फिर मैं आपके चरणों में दीक्षा ग्रहण करूंगा। अब आप उस यात्रा को याद कर लें, जो पौषध में उसने कहा था भगवान आ जाएंगे तो उदयन तो क्या करेगा, अपने से पूछा था तो उसने अपने मन में कहा था मैं संयम ले लूंगा। अब वो घड़े वो पल और वो समय आ गया, भगवान की आज्ञा लेकर के वो घर गया। यहां एक समस्या खड़ी हो गई, घर आकर महलों में लौट कर एक समस्या खड़ी हो गई। समस्या क्या खड़ी हुई, बंधु वो राजा का एक ही पुत्र था, अब वो युवा हो गया था,
परंपरा को देखा जाए तो राज्य का अधिकारी वो था, उसको राज्य देना चाहिए था, ऐसी परंपरा है। एक तो ये बात हुई, तो ये बात और दो बात क्या हुई, दूसरी बात एक और हुई। राजा उदयन का एक भांजा था, बहन का पुत्र, जो उसी के पास रहा करता, वहीं राजनीति उसने सीखी थी, राज कार्यों में उसकी बड़ी रुचि थी, वो वहीं रहता था अपने मामा के पास में, और राजा थे दोनों को समान प्यार करते थे। वो मेरे नाम का बेटा, वो मेरी बहन का बेटा है, ठीक है, दोनों को समान प्यार करते थे। आज समस्या ये खड़ी हुई, क्या समस्या खड़ी हुई, कभी राज्य तो मैं दे रहा हूं पर ये अपने बेटे अभीज कुमार को दूं या इस भांजे केशी को दूं, किसको दूं? आप कहोगे इसमें क्या जरूरत थी फंसने की, सोचने के अपने बेटे को दो। कारण था, कारण यह था, उसका अपना बेटा राजनीति में कुशल नहीं था। और एक बात कहते, जो बहुत बुद्धिमानों से आना हो, और एक दुनिया और ही शब्द कहती है, चलता पुर्जा हो, जाम पुर्जा हो, एक चलता पुर्जा हो, वो ऐसा नहीं था, वो सहज था, इतना राज्य का संचालन कर सके ऐसा नहीं था। उसने, राजा ने सोचा, अगर इसको मैं दूंगा राज्य तो राज्य सही चला नहीं सकेगा, और जो ये भांजा है ये बड़ा कुशल है, हर एक बात में कुशल है, राज के कार्यों में, राज के संचालन में, मैं इस मोह से ऊपर उठ करके मेरा है, ये भी तो मेरा ही है, क्या बात है, इस भाव में फंस करके कि भाई मेरा तेरा क्या होता है, जो योग्य हो उसी को तो राज्य दिया जाए, क्योंकि राजा अनाथानाम नाथो गते गति नाम जसनी न है, राजा अनाथों का नाथ होता है, जो अनाथ है उनका नाथ होता है, जिनके पास कोई गति, कोई चारा, कोई उपाय नहीं होता, उसका उपाय होता है, राजा की विशेषता, वो सबके काम आता है। अगर मैंने अपने बेटे अभीज को बना दिया तो ये ठीक संचालन कर नहीं सकेगा, ये कुशल है। उसने दोनों को बुला कर कहा, देखो बेटो, मैं तुम दोनों के लिए समान हूं, तुम मेरे लिए समान हो, आशीर्वाद देता हूं, लेकिन मैं राज्य किसी को दूंगा, क्योंकि ये ठीक से संचालन कर पाएगा, चला पाएगा, और अभेज तो नहीं कर पाएगा, मैं अच्छे से देख, तू मेरा बेटा है, मैं समझता हूं, तो नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं, तो और कार्य में रुचि रखना, जो भी हो सहयोग देना, लेकिन राज्य में इसको दूंगा। यहां से बात मनोविज्ञान की शुरू होती है। आदमी अपनी योग्यता को नहीं देखता, आदमी लालच में आकर के यही देखता है कि मुझे क्या मिलना चाहिए, उसको एकदम क्रोध भी आया, मैं अधिकारी हूं, मुझे मिलना चाहिए राज्य, लेकिन पिता तो मर्जी है, इसको भी दे, वो अत्यंत खेद खिन्न हुआ, उसके मन में तरह तरह की भावनाएं आई, पिता ने समझाया, पुचकारा, बेटे हमने राज का हित करना है, तो इन बातों में न सोच, मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, राज्य के हित के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारा भी इसके अंदर हित है। किसी बड़ा प्रश्न था, भांजा बड़ा प्रश्न, राज्य उसकी उम्मीद नहीं थी, उसका कोई मतलब नहीं था, और वह इस बात का अधिकारी बनने जा रहा था, और आखिर ऐसा ही किया गया, भांजे को राज्य दे दिया, और अपने पुत्र को राज इसलिए नहीं दिया कि ये ठीक से संचालन नहीं कर पाएगा। अब वो राजा होने जा रहा है, उधर उदयन राजा मुनि होने जा रहे हैं,
इस सब के बीच में इस कथा में क्या घटित होता है वो बताऊंगा अगले समयों में। आज की बात और चर्चा यहीं तक, मिलकर बोलेंगे जिन शासन गौरव गाते निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन चार्य स्वयंभव श्रुत शारदूलया चार्य स्वयंभव पट धर चतुर्थ द्विति ये श्रुत धर पट धर चतुर्थ द्विति ये श्रुत धर सुत को भी बोध कराते हैं, सुत को भी बोध कराते हैं जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन प्रसंग प्रभव स्वामी का चल रहा था। जो भाई त्रिनगर के वो सुन ही रहे, लाभ ले रहे हैं धर्म सभा में। आज हर रोज कोई कहीं से कोई से भाई आ ही जाते हैं। आज यमुना विहार से हमारे श्रावक लोग आए हैं।